हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म दो चरों में। दो चर का मतलब एक्स और वाई। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले समीकरण होती कैसे है ना। देखो, दो चर में इक्वेशन ऐसी होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें एक्स और वाई की जो डिग्री होगी वो वन होंगी। ठीक है, अब ध्यान देना इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि दो चर में इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए मुझे। जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब सॉल्व होंगी या नहीं उसकी भी कंडीशन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका अनुपात ज्ञात कर लो, एक्स और एक्स के जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, जैसे ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू निकाल लो। ठीक है, अगर अनुपात ही इक्वल नहीं है, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तब इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सही है, अद्वितीय हल, इसको संगत भी बोलते हैं। इसको ग्राफ में करेंगे तो रेखा आएंगी प्रतिच्छेदी, है ना, इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, अगर इन लाइन का ग्राफ बना जाए, इसी लाइन का। इस तरह से अगर तीनों इक्वल आते हैं तो उस केस में अनंत हल होंगे और लाइन आएगी एक ही, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाएगी। उसके बाद अगर पहले दो रेशो बराबर आती हैं और तीसरी बराबर नहीं है उसके, तो उस केस में कोई हल नहीं होगा, है ना, असंगत बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ग्राफ आता है इसका समांतर रेखाएं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। एक्सरसाइज आपकी 3.1 है। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है, ग्राफ से हल करना है इसे तुम्हें। ठीक है, इनको हल करने के वैसे बहुत प्रकार होते हैं। पहला ग्राफ वाला तरीका है, बाकी तरीके बाद में बताएंगे। ठीक है, इसमें है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले वो उसकी उम्र का 7 गुना था और 3 साल बाद वह उसका 3 गुना हो जाएगा, तो इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करो। ठीक है, सॉल्व करो इसको ग्राफ द्वारा। ठीक है, तो माना आफ्ताब की वर्तमान, ये हमने एक्स ले लिया, अब पुत्री की वाई। ठीक है, 7 साल पहले पिता की एक्स माइनस सेवन होगी तो पुत्री की वाई माइनस सेवन। चूंकि अब पिता इसका 7 गुना है तो पुत्री को हम 7 गुना कर देंगे। ठीक है, 7 टाइम्स, और दोनों की इक्वल साइन लगाएंगे, और सॉल्व करने के बाद में ये मिलेगा एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू -42। ठीक है, फिर उसने कहा 3 वर्ष बाद, चूंकि वर्तमान से 3 वर्ष बाद है तो दोनों में तीन तीन प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो पिता की जो होगी एक्स प्लस तीन और पुत्री की होगी वाई प्लस तीन, और संबंध होगा इनमें एक्स प्लस तीन इज इक्वल टू 3 गुना वाई प्लस थ्री, और सॉल्व करके इक्वेशन आएगी एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इन दोनों की इक्वेशन को ग्राफ द्वारा मुझे सॉल्व करना है। तो ग्राफ से कैसे सॉल्व होंगी, पहले से इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकाल लो, इससे एक्स वैल्यू निकाल लो या वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, जैसे पहली इक्वेशन है, वाई की वैल्यू निकाली, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 42 अपॉन 7, और इसमें हम एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रखेंगे, लेकिन ध्यान देना चाहिए एक्स की वैल्यू ऐसी रखेंगे ताकि वो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो वैल्यू रखी हमने एक्स की है 0, 7, 14, 42, और वाई की वैल्यू सॉल्व करके आती है 6, 7, 8 और 12। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 6, और इसमें वाई क्या मिलेगा, एक्स माइनस 6 अपॉन 3, और इससे एक्स की वैल्यू हमने 6, 12, 18 और 42, और वाई की वैल्यू मिलती है 0, 2, 4, 12। ठीक है, अब क्या करें, ग्राफ पेपर पर आप एक्चुअल ग्राफ पेपर लेंगे, और उसमें एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पे कोई भी आप स्केल सपोज कर लो, ये जो ब्लॉक होते हैं ना, इसको 1 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक बोलते हैं, तो एक 1 सेंटीमीटर को मैंने 5 यूनिट ले लिया, तो ये 5, तो यहाँ पर 10 आएगा। ओके, और 15, 20, 25, इस तरह से यहाँ पर 5, 10, 15, 20, सो ऑन। तो उसके बाद एक ग्राफ तो बनाएंगे इस लाइन का हम, 0, 6, एक्स वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, तो पॉइंट यहाँ मिला 7, 7, 7, 7, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला 14, 8, 14 पॉइंट यहाँ मिलेगा, 8 पॉइंट यहाँ के मिलेगा। इस तरह से एक लाइन ये हो जाएगी, दूसरी लाइन 6, 0, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, तो पॉइंट यहाँ मिलता है 12, 2, वाई की वैल्यू 12, एक्स वैल्यू 2 है ना, तो पॉइंट यहाँ मिलता है। इस तरह से दूसरी लाइन ये जाती है इस तरह से, और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पर 42, 12। तो बाई चांस वैसे टेबल के अंदर भी ये पॉइंट ये, तो जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो तुम्हारे समीकरण का हल होता है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो
तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली एक्स की और ये वाई की वैल्यू, x 42 और y 12, यानी कि पिता की उम्र 42 वर्ष और पुत्री की उम्र 12 वर्ष। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। 3.2 में पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, ग्राफ से सॉल्व करना है, वो अभी मैं सॉल्व करके दिखाया आपको। सेकंड इक्वेशन है भाई, तुलना करने पर दिखाओ कि लाइन इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, तीनों में हम रेशो निकालेंगे, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, तो इक्वेजन हमारे पास में 5x-4y+8=7x+6y-9=0। रेशो लिया, ए वन अपॉन ए टू 5/7 है, बी वन अपॉन बी टू -4/6। तो दोनों सीधी सी बात है, दोनों इक्वल नहीं है, ये है ना नॉट इक्वल। तो इनको सॉल्व करने यूनिक हल मिलेगा, तो कैसी रेखा मिलेंगी, प्रतिच्छेदी इंटरसेकिंग लाइन मिलेंगी। दूसरी इक्वेशन है ये 9x+3y+12=0, 18x+6y+24=0। जब रेशो लिया हमने तो ए वन अपॉन ए टू 1/2, बी वन अपॉन बी टू 1/2, सी वन अपॉन सी टू 1/2, वो तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल हैं। ठीक है, 1/2, इससे क्या मिलेगा, इसका ग्राफ मिलेगा, केवल एक ही लाइन मिलेगी ग्राफ में और इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तीसरी लाइन है ए वन अपॉन ए टू, तीसरी लाइन है 6x+2y, 6x-3y+10=0, 2x-y+9=0। अब देखो 6x/2x 3, 3y/y यानी 3, इसमें रेशियो है, फर्स्ट टू इक्वल हो गए देखो और थर्ड इक्वल नहीं है, तो इसमें समांतर रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, कंपेयर करना रेशियो, चेक करना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी संगत सॉल्यूशन है या असंगत सॉल्यूशन। तो तुम्हें पता है कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा हो या अनंत हल वाली है ना कोइंसिडेंट रेखा हो, तो दोनों केस में भी संगत हल होता है, इसको संगत हल बोलते हैं हम। ठीक है, और ऐसा नहीं है तो असंगत होगा, ये समांतर रेखा वाला असंगत होता है, तो तुम्हें ये चेक करना क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी ऐसा ही है, पहले चेक करना है उसके बाद ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 भी करके दिखाते हैं आपको। एक लाइन दे रखी है तो तुम्हारी दूसरी लाइन लिखनी है जो इसके साथ में एक तो या इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए यानी प्रतिच्छेद रेखा बनाए, या समांतर रेखा बनाए, या कोइंसिडेंट यानी ओवरलैपिंग लाइन बनाए। ठीक है, इक्वेशन है 2x+3y=1, 2x+3y=8। टू एक्स प्लस 3y=8 क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अब बताना है कि दो लाइन लिखनी है, तीन लाइन लिखनी तुम्हें। ठीक है, तीनों डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन की। पहली के लिए क्या करोगे, ये ध्यान रखना ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो कुछ भी लाइन लिख दो, जैसे इस साथ में ले लिया 3x और 8y=10 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 2/3 और 3/8, तो पहले का हल तो ये हो गया, कुछ भी लिख, इसके सॉल्यूशन बहुत सारे आ सकते हैं, तुम कुछ भी लाइन लिख सकते हो, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, पहला केस हो गया इसका। सेकंड में चाहिए तुम्हें समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखा में रेशियो इक्वल होता है, 2x+3y=8 है जैसे, है ना, तो इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी संख्या से, जैसे 2 से कर दिया मैंने तो 4x, 6y और 16, इसमें रेशियो इक्वल आएगा, देखो 2/4=3/6 और 8/16, तो इसमें आएंगी समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर नहीं, इसमें आएंगे आपको ओवरलैपिंग लाइन। ठीक है, ये लाइन के ऊपर लाइन चढ़ेगी, इसके अंदर थर्ड वाली आएगी समांतर रेखा, तो थर्ड वाले में क्या करना है तुम्हें, ये दो तो इक्वल रखने हैं, ये डिफरेंट करना है बस, तो 2x+3y=8 और ये लिख दो, देखो 4x+6y, यहाँ लिख दो कुछ भी, 10 लिख दो, तो फर्स्ट टू लाइन इक्वल है, देखो 2/4=3/6 नॉट इक्वल टू 8/10, तो इस वाली में तुम्हें मिलेंगी समांतर रेखाएं, करेक्ट। अब एक क्वेश्चन इसमें और है, क्वेश्चन नंबर 7, ये और मैं करके दिखाता हूँ आपको, बड़ा आसान है। ग्राफ बनाइए इसका, x-y+1=0 पहली लाइन है, दूसरी 3x+2y=12। इसका ग्राफ बना के तुम्हें उसको सेट करना है दोनों लाइन को, और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया आएगा उसको तुम्हें सेट करना है, और कोऑर्डिनेट
फाइंड करने हैं इसके। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, ये ग्राफ हुआ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब बिल्कुल छोटा सा आप यहाँ कोऑर्डिनेट लो, एक्स की वैल्यू वाई, एक्स वैल्यू 0 लो इसमें, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी 1। एक बार वाई की वैल्यू 0 पुट करो तो एक्स क्या मिलेगा -1। इस तरह इसके अंदर एक्स वाई, एक्स को लो 0 तो वाई क्या मिलेगा 6। एक बार वाई को 0 लो तो एक्स वैल्यू मिलेगी 4। सब बहुत इजीली दोनों लाइन ट्रेस हो जाएंगी, एक्स 0 वाई 1, तो 1 यहाँ पर है, 1 2, -1 -2, यहाँ 1 2, एक्स 0 वाई 1 पॉइंट यहाँ हुआ। एक बार वाई 0 एक्स -1 पॉइंट यहाँ, तो ये लाइन ऐसे जाएगी यूँ, ठीक है। दूसरी लाइन एक्स 0 वाई 6, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ मिला। एक बार एक्स 4 और वाई 0, 1 2 3 4, तो 4 कॉमा 0, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। और ये इसका शेडेड रीजन होगा, है ना। और ट्राइंगल के वर्टेक्स एक तो ये हो गया तुम्हारे पास में, -1 कॉमा 0 और 4 कॉमा 0, ये हो गया। और तीसरा वर्टेक्स हम ये ग्राफ पेपर एक्चुअली जब इसको देखोगे तो आपको एक लाइन यहाँ पर मिलेगी, ये डिस्टेंस ये एक्स की वैल्यू होगी और ये डिस्टेंस वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको ग्राफ से आप चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके, इस तरह से हमारी दो इक्वेशन आज खत्म होती हैं। और थर्ड इक्वेशन, थर्ड जो ये आपकी एक्सरसाइज है, हम जल्दी ही आपको फिर वीडियो बनाएंगे, तो ये आप क्वेश्चन करें, बाकी होमवर्क में करेंगे, ठीक है।